वाराणसी में मांड्या जिले के श्रीरंगपटना स्थित जामिया मस्जिद को लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद की ओर से श्रीरंगपटना चलो का आह्वान किया गया है। वीएचपी के आह्वान के मद्देनजर श्रीरंगपटना में धारा 144 लागू की गई है। कस्बे में आज सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक के प्रतिबंध रहेंगे। डिप्टी कमिश्नर अश्विनी एस ने बताया कि आमतौर पर हर शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार आज नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि आज श्रीरंगपटना की 5 किलोमीटर की सीमा में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि आज मस्जिद रोड बुक को बंद कर दिया गया है, लोगों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। अगली खबर, अक्षय कुमार की महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनी फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जमकर तारीफ की है। फिल्म देखने के बाद भागवत ने कहा, इस तरह की फिल्मों का परिणाम भविष्य में निश्चित तौर पर भारत के लिए अच्छा होगा और आने वाले दिनों में सभी भारतवासी एक होकर भारत के सम्मान की रक्षा उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि फिल्म में दिखाया गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों और फिल्म के लीड रोल निभाने वाले अक्षय कुमार और मनुषी चिल्लर के साथ इस फिल्म को देखने के बाद इस तथ्यों पर आधारित फिल्म बताते हुए इसकी जमकर तारीफ की। भागवत ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और मच्चू को चौहान, ये सब बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले हमने किसी और का लिखा हुआ इतिहास पढ़ा है। अगली खबर, भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ती हुई वृद्धि तेज हो रही है। देश में लगातार तीसरे दिन 3000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जबकि बीते दिनों कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। नए मामले में हो रही बढ़ोतरी के चलते एक्टिव केस का आंकड़ा 22000 की संख्या पार कर गया है। इसके साथ ही लंबे अंतराल के बाद मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह जारी किए गए अपडेट के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में 3962 लोग कोरोना के संक्रमण के चपेट में आए हैं, जबकि इस दौरान 26 लोगों की मौत हुई है। एक लंबे अंतराल के बाद मौत के आंकड़ों में यह बड़ा उछाल आया है। कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद अब तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़कर 4,31,72,447 हो गया है। वहीं 26 नए मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24,667 पहुंच गई है। बीते दिनों कोरोना से रिकवर करने वालों की संख्या 2,679 रह गई है। बीते दिनों कोरोना में रिकवर करने वालों की संख्या 2,669 रहने के बाद अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,25,444 हो गई है। अगली खबर, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया गया है। इस आतंकी का नाम निसार खाड़े बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और नागरिक भी घायल हुए हैं। मारे गए आतंकी के पास सुरक्षा बलों ने गोला बारूद बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपुरा इलाके में हुई है। मारा गया आतंकी निसार खाड़े हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। इसी दौरान आतंकियों की तारीफ की तरफ से पहले फायरिंग की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। अगली खबर, मेहसाणा की एक सत्र अदालत ने वडगाम के विधायक जिग्नेश मेवाणी और 10 अन्य आरोपियों पर अदालत की अनुमति के बिना गुजरात छोड़ने पर रोक लगा दी है। 2017 में पुलिस की अनुमति के बिना रैली आयोजित करने के मामले में कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले में मेवाणी और अन्य आरोपियों को 3 महीने के कारावास का आदेश दिया था। कारावास से बचने के लिए निचली अदालत के निर्देश को फैसले की तारीख से 1 महीने के भीतर ये चुनौती दी जानी थी। जैसे ही आरोपियों ने 3 जून को जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया, न्यायाधीश ने जमानत दे दी। हालांकि यह शर्त रखी है कि मेवाणी और अन्य आरोपी गुजरात छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें अपना पासपोर्ट अदालत की हिरासत में रखने की जरूरत है। इस मामले के अन्य आरोपियों में राकपा नेता रेशमा पटेल और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच के समन्वयक सुबोध परमार भी शामिल हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए 2 समुदाय के बीच झड़प और उसके बाद मचे बवाल पर बसपा प्रमुख मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शहर में मौजूदगी के दौरान शुक्रवार को माहौल बिगड़ने का प्रयास पुलिस और खुफिया तंत्र की विफलता है। बता दें कि इससे पहले कानपुर में हुए हिंसा पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तारी की मांग की थी और पुलिस को इंटेलिजेंस पर भी सवाल उठाए थे। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जी के यूपी दौरे के दौरान ही कानपुर में दंगा व हिंसा भड़काना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व चिंताजनक है तथा पुलिस और खुफिया तंत्र की भी विफलता घोतक है। सरकार को समझना होगा कि शांति व्यवस्था के अभाव में प्रदेश में निवेश और यहाँ का विकास कैसे संभव है। मायावती ने कहा कि सरकार इस घटना की धर्म, जाति व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करे ताकि ऐसी घटना आगे ना हो।
अगली खबर, राज्यसभा चुनाव में राजस्थान और हरियाणा की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस की चिंता बढ़ती जा रही है। पार्टी को क्रॉस वोटिंग का खतरा सता रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अपनी सभी विधायकों को सुरक्षित स्थान पर घेराबंदी कर ली है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस के नेता और विधायक कुलदीप बिश्नोई की पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि वे किसी के दबाव में आकर वोट नहीं करने जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कहा, मैं एक मजबूत कांग्रेसी रहा हूं और मैं किसी और से बात नहीं कर रहा हूं। राहुल गांधी से मिलने से पहले कोई फैसला नहीं करूंगा। तब तक मैं कांग्रेस के किसी मंच पर खड़ा नहीं होऊंगा। मैंने राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग पर फिलहाल फैसला नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से वोट करूंगा, किसी के दबाव में नहीं। अगली खबर, यासिक मलिक के केस में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तथाकथित राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित करने और भारतीय अदालत द्वारा उन्हें उम्रकैद की सजा के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सहित प्रासंगिक मंचों पर उठने की बात भी कही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस मामले को उठाने की तत्काल जरूरत पर जोर देते हुए चौधरी ने कहा कि सिर्फ 2 दिन शेष हैं, इसके भीतर यासिन की दोष सिद्धि और मामले की समीक्षा के खिलाफ अपील अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दायर की जा सकती है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की बांदा जिले के बाद बंद मऊ के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं नजर आ रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने विधायक निधि के दुरुपयोग मामले को आधार बनाकर दर्ज किए गए गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। प्रभारी विशेष न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक के सिंह के तर्कों को सुनने के और उसे केस डायरी अवलोकन करने के बाद पारित किया है।